हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स एक्सरसाइज 6.4। हम लोग शुरू कर चुके हैं। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं और फर्स्ट क्वेश्चन के हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स डन किए थे। चलिए सिक्स्थ पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन था कि स्क्वेयर रूट हमने फाइंड करने हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, और हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है 1, 3, 6, 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1, 3, 6, 9, तो हम लोग इसका पेयरिंग करेंगे। तो जब आप पेयरिंग करने वाले हो राइट मोस्ट साइड से, तो हमें 13 नजर आ रहा है। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं जो 13 या 13 के इक्वल आए। 1, 4, 9, 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें दिख रहा है कि जो 13 है उससे छोटा या उसके इक्वल जो है वो नंबर आपका 9 बनेगा। हम लोग यहाँ पे 9 का परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो माइनस करेंगे 4 और एक नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, दैट इज 69। इधर प्लस होता है तो 3 इंटू 3, दैट इज 6। अब हमें 6 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 469 बन जाए। तो देखिए, हमें एंड में यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए। तो 9 आपको किस केस में मिल सकता है? या तो आपकी 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई होती है, दैट विल गिव यू 9, या फिर अगर आप लोग 7 का 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 49। तो जो 9 है वो आप लोगों का यूनिट प्लेस पे आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं 6 के साथ 3 लगाता हूँ तो 3 के साथ लगाने पे मुझे नंबर मिलेगा 189। तो ये नंबर स्मॉल है, तो यानी कि मुझे 7 यहाँ पर चूज करना है। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 7 49, 4 आपका कैरी हो गया, 7 इंटू 6 42, 42 में 4 ऐड करोगे 46 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो यानी कि पहला डिजिट हमने 3 चूज किया था और सेकेंड 7, तो 37 जो है वो परफेक्ट सॉरी स्क्वायर रूट हो गया 1, 3, 6, 9 का। चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 5, 7, 6। सो 5, 7, 6 वही चीज करेंगे, पेयरिंग 76 और 57 का पेयर हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख लेते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ठीक है, सो ऑन। हमें इसकी क्या जरूरत ही नहीं है 81 तक। तो हमें 57 या उससे स्मॉलर नंबर देखना है, तो डेट इज 49। और 49 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 होता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो पहला डिजिट अपना 7 आ गया। 57 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 रिमाइंडर बचेगा और नेक्स्ट पेयर उतर जाएगा, दैट इज 76। 7 और 7 को ऐड करेंगे तो इधर 14 बनेगा। अब हमें एक ऐसा डिजिट देखना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 876 मिलना चाहिए। यूनिट प्लेस पे मुझे 6 चाहिए। 6 या तो आ सकता है 4 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो आपको 16 देगा, या फिर आपका 6 इंटू 6 करने पे आ सकता है जो आपको 36 देगा, और दोनों केस में यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। तो अगर हम लोग फर्स्ट 4 चूज करते हैं, 144 की 4 से मल्टीप्लाई, तो आई विल गेट 4 इंटू 4 16, 1 4 इंटू 4 16, 15, तो आई विल गेट 576। लेकिन मुझे 876 चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल गिव यू ऑटोमेटिकली 876, रिमाइंडर इज 0। तो यानी कि 5776 का स्क्वायर रूट 76 आ गया। इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास 7921। तो 7921 पेयरिंग करेंगे राइट साइड से, तो ये 21 हो गया और ये 79 हो गया। तो 79 जो है वो 64 और 81 के बीच में आ रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग 64 चूज करेंगे और 64 का स्क्वायर रूट
एट होता है। माइनस करेंगे आप तो 15 आ जाएगा और 21 आप कंप्लीट पेयर उतार लोगे। 8 मल्टी 8 को 8 के ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा। अब मुझे यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए, तो 1 आपको या तो 1 का इंटू 1 करने पे मिल सकता है या फिर 9 का मल्टीप्लाई 9 करने पर मिल सकता है, जो 81 देगा। और 81 में जो 1 है वो यूनिट प्लेस पे चला गया। 1 पे तो करके 161 आएगा। तो से क्लियर है कि 9 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 6 यस, तो वी आर गेटिंग 15 21। तो 89 जो है वो स्क्वेयर रूट हो गया 7921 का। 9 जो है वो स्क्वेयर रूट हो गया है 7921 का। क्लियर करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। तो नाइन्थ पार्ट है हमारे पास 576। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है उनकी कंप्लीट पेयरिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे हमने कहा है कि आप राइट से स्टार्ट करके पेयरिंग करोगे तो 76 तो कंप्लीट हो गया, अकेला 5 रह गया है। तो अब 5 जो है वो किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में आएगा? 4 एंड 9 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग 4 चूज करेंगे और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो यानी कि 2 हमारा आ गया। रिमाइंडर 1 और नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, दैट इज 76। इनको ऐड करोगे तो 4 आएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई, मतलब 4 के साथ एक ऐसा डिजिट चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 6 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, एक तो आपके पास ऑप्शन 4 हो सकता है और एक ऑप्शन 6 हो सकता है, क्योंकि जब आप 4 को 4 से करते हो तो 16 आता है, 6 को 6 के साथ करते हो तो 36 आता है। दोनों ही केस में यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो मैं पहले 4 को ट्राई कर रहा हूँ, 4 इंटू 4 16 1, 4 इंटू 4 16 17। तो यहीं पे अपना काम बन गया। तो 24 जो है वो 576 का स्क्वायर रूट बन गया हमारे पास। क्लियर कर देंगे। अब करते हैं 10th पार्ट, 1024। तो 1024 पेयरिंग करेंगे 24 एंड 10, तो 1 4 9 16। तो क्लियर है कि 10 के छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दैट इज 9, और 9 का रूट 3 होता है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। रिमाइंडर बच गया आपके पास 124, 3 3 6 होते हैं ऐड करके। अब 4 चाहिए, 4 आपको देखिए कैसे मिल सकता है। 4 या तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके मिलता है आप लोगों को, जो आप लोगों का मतलब 4 होगा, या फिर 8 इंटू 8 होता है, क्योंकि 8 इंटू 8 64 होता है और यूनिट प्लेस पे 4 मिल गया। लेकिन क्लियर कट हमें दिख रहा है कि 8 के साथ तो बहुत ज्यादा वैल्यू बन जाएगी, तो हम लोग सिंपली 2 से ही यहाँ पर करके 124 निकाल देंगे। रिमाइंडर इज 0, तो आपके पास 32 जो है वो 1024 का स्क्वेयर रूट बन गया। नेक्स्ट है 3136। तो यहां पे भी आप पेयरिंग करोगे तो 31 जो है वो किसके बीच में आ रहा है? 25 और 36 के बीच में, जो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है। तो जाहिर सी बात है 25 लिखेंगे और 25 का रूट 5 होता है, तो एक तो डिजिट 5 आ गया, 6 आपका रिमाइंडर बचा और ऊपर से 36 उतार लोगे आप। इधर ऐड करोगे 5 में 5 ऐड किए, 10, 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? या तो 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 6 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ही केस में यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। जाहिर सी बात है 10 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 हमारे को रिजल्ट मिल जाएगा। 4 से करेंगे तो जो नंबर है वो प्रॉपर 636 नहीं बन पाएगा। तो यानी कि 56 जो है वो हमारा स्क्वेयर रूट आ गया 3136 का। तो इस तरीके से 11th पार्ट अपना डन हो गया। अब करते हैं अपना लास्ट पार्ट, 12th, जो है 900। तो 900 में अपन पेयरिंग करेंगे लाइक दिस। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 9,
नाइन जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपके पास, नाइन खुद भी होता है, तो इसीलिए 3 × 3 दैट इज नाइन, तो फर्स्ट 3 आ गया। इधर तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो आप ऊपर से क्या निकाल लोगे, 2 0, 3 + 3 6। अब 6 के पास कोई ऐसा डिजिट आपने चुनना है जिसको मल्टीप्लाई करके डबल जीरो बने या सिंपल जीरो बने, तो एक ही डिजिट है दैट इज जीरो, क्योंकि जीरो की जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो जीरो बनेगा। तो इस तरीके से आप इधर क्या लिख दोगे, 1 0, तो 30 जो है वो 900 का स्क्वेयर रूट बन गया। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आप लोगों के डन हुए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।